अभी आप अनंत ग्रंथ का पाठ सुन रहे थे। बिट्टू ये पूछते हैं, आत्मा का भोजन कहाँ होता है? हम मनुष्य शरीर का भोजन सब जानते हैं, आहार। मन का भोजन है ज्ञान और प्रेम, और आत्मा का भोजन उस परम ब्रह्म परमेश्वर की याद, उसका जिक्र, उसकी चर्चा, और ये सत्संग में उस ज्ञान को प्राप्त करके, ईश्वर चर्चा को सुन के, ईश्वर स्तुति को सुन करके ये आत्मा तृप्त होती है। यानी आत्मा का भोजन गुरु के द्वारा सत्संग में पहुंचकर हमें प्राप्त होता है। हमारे यहाँ भारतवर्ष में 6 शास्त्र हैं। वे कौन कौन से हैं? पहला शास्त्र है योग, योग दर्शन, जिसके प्रणेता माने जाते हैं पतंजलि। पतंजलि ऋषि महादेव शिव के शिष्य थे और शिव ने ही उनको अष्टांग योग का ज्ञान दिया। और इस योग शास्त्र में लगभग 196 सूत्र हैं, छोटे छोटे वचन संस्कृत में। सबसे पहला है चित्त वृत्ति निरोधा योगः। योग क्या है? हमारे चित्त, हमारे मन की वृत्ति जो संसार में फैली है। आँखें जगत में अच्छा बुरा देखती हैं, इन नेत्रों का हम निरोध करें, बंद करें इनको। आँखें बंद करने से संसार हमारे लिए लोप हो जाता है, रहता वही है लेकिन हमारा ध्यान उधर से हटके अंतर्मुखी होता है। श्रोत हमारे कान दुनिया भर की अच्छी बुरी बातें सुनते रहते हैं। जब हम इन कानों को संसार की तरफ से बंद कर लेते हैं तो अंदर उस परम ब्रह्म की ध्वनि को, उसकी आवाज को सुनने लगते हैं। ये है इन इंद्रियों का रोकना, वाणी। हम इस वाणी से दिन भर, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। और जब यही हमारी वाणी ईश्वरीय वचन बोलने लगती है, वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगती है, गुरुवाणी को बोलने लगती है और मौन धारण कर लेती है, उद्वेग से भरे वचन जब हम त्याग देते हैं, इस वाणी से जब मृदु वचन हम बोलते हैं और निरंतर परम ब्रह्म के मंत्र को जपते रहते हैं मन मन में, तो वाक सिद्धि की हमें प्राप्ति हो जाती है। वाक सिद्धि वो होती है कि मनुष्य जगत के कल्याण के लिए, किसी के भी कल्याण के लिए जो वचन बोलता है, परमात्मा उसको पूर्ण कर देता है, पूरा कर देता है। योग का अर्थ क्या है?
इस आत्मा की ज्योति को उस परम ब्रह्म से जोड़ देना, ये योग है। जप तप व्रत उपवास आदि के द्वारा हम अपने शरीर को, मन को, इंद्रियों को, आत्मा को पवित्र बनाते हैं, और जैसे जैसे पवित्रता बढ़ती है वैसे वैसे हमारे चित्त में एकाग्रता, स्थिरता, शांति और उस आदि पुरुष परमात्मा के लिए प्रेम, ईश्वरीय प्रेम यानी भक्ति बढ़ती चली जाती है, और ये आत्मा की लौ उठती 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 उस अनंत ज्योतिर्पुंज से जाकर के मिलती। इसको योग कहा गया है। योग के 8 अंग कहे गए हैं, यम नियम में 10 सिद्धांत हैं, बहुत बार आपको बताए। अहिंसा, किसी को कष्ट ना देना, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय चोरी ना करना, अपरिग्रह लोभ लालच में पड़ के बहुत ज़्यादा एकत्र ना करना, शुचिता विचारों की पवित्रता, शरीर को निरोग रखना, धन द्रव्य से दूसरों की मदद करना, संतोष, धैर्य को धारण करना, धीरज रखना और पुण्य कर्मों को करते रहना, स्वाध्याय, प्रतिदिन प्रातः उठते ही गुरु वचनों को सुनना, वेद वाणी को सुनना। प्रातः में जो हम सुनते हैं, किसी की गालियां या कलह कलेश सुन लें सुबह सुबह, पूरे दिन हमारा मन अशांत रहता है। इसलिए प्रातः काल में जैसे ही हम उठते हैं सावधान हमें रहना चाहिए, उस परम ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए, उसका सुमरण करना चाहिए, और गुरु वचन गुरु वाणी को आप इंटरनेट पे मोबाइल पे सुन सकते हैं, उसको सुने। प्रतिदिन कई वर्षों से सत्संग टीवी चैनल पर 7:40 पर प्रवचन आते हैं 8 तक, उसको आप अवश्य सुने, नियम बना लीजिए। और सुबह सुबह जो आरती होती हैं हमारे यहाँ, जय हो परमेश्वर, देवता करें तेरी पूजा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, ये परम ब्रह्म की आरती सुने। हे निरंकार प्रभु परमेश्वर तेरी जगमग हो गए आरती, ये सुने। सच्चे गुरु की आरती करिए, ये आप सुने। और अधिक समय है तो सुमरण पाठ है, उसको आप सुने, वो इंटरनेट पे पड़ा है। परमेश्वर 40 है, उसको आप सुने। और नीचे संबंध है, ये 3 वाणियाँ पढ़ी, इनको आप सुने। इतना यदि आप प्रतिदिन सुनते हैं तो आपका मन शांत और स्थिर हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है। तो ये है स्वाध्याय। इसके बाद में आता है तप, शरीर का तप, वाणी का तप, मन का तप। मन को शांत रखना, वाणी को मृदु बनाना, शरीर से सेवा आदि करके सारे संसार की सेवा करना, जिससे परमात्मा हमसे प्रसन्न हो। हरेक मनुष्य के भीतर ईश्वर का निवास है, और हरेक व्यक्ति के भीतर माया का भी निवास है, झूठ, छल, कपट, लोभ, लालच, बुराइयाँ। आधे हमारे हिस्से में ये बुराइयाँ और आधे हिस्से में परम ब्रह्म का प्रकाश है।
अगर बुराइयां बढ़ती चली जाती हैं तो ये प्रकाश को भी ढक लेती हैं, पूरे हमारे शरीर में और जीवन में अंधकार ही अंधकार, व्याकुलता, बेचैनी, अशांति भर जाती है। और यदि हम अपने ज्ञान के प्रकाश को बढ़ाते हैं तो ये प्रकाश बढ़ते बढ़ते बुराइयों को बाहर फेंक देता है और उसके स्थान पर स्वयं विराजमान हो जाता है। हर एक व्यक्ति के भीतर ईश्वर का प्रकाश और माया का अंधकार छाया रहता है। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम आत्मा के प्रकाश को बढ़ाएं, ईश्वर की ज्योति को बढ़ाएं, या बुराइयों और माया के अंधकार को बढ़ा दें। अंधकार हमारे जीवन से घट जाए, नष्ट हो जाए और ईश्वर की ज्योति सर्वत्र प्रकाशमान हो। तो अष्टांग योग में ये प्रथम यम नियम है और ईश्वर प्रणिधान, हम अपने प्राणों की ज्योति को परम ब्रह्म परमात्मा के आगे रखें, संसार में इसको नष्ट न होने दें। ये 10 नियम हुए, 5 यम 5 नियम। इसके बाद में है आसन। आसन दो प्रकार के हैं, एक तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनेक अनेक आसन आप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, शरीर भी स्वस्थ रहना चाहिए, योगासन उनको भी आप करें। दूसरे है किस आसन में आपको बैठना है जिससे आपका शरीर दुखे नहीं, सुख आसन में आराम से आप बैठें। और नीचे कैसा आसन होना चाहिए, कंबल का आसन और उसके ऊपर एक वस्त्र मुलायम, सुखपूर्वक आप बैठें ध्यान के लिए। ये आसन हुआ। फिर है प्रत्याहार। आहार वो है जो हम मुंह से खाते हैं और प्रत्याहार वो है जैसे लोगों की संगति में हम बैठते हैं उनसे जो विचार हमारे भीतर आते हैं, जो हम सुनते हैं कानों से, जो हम देखते हैं आँखों से, जो हम विचार करते हैं बुद्धि से, जैसे लोगों का हम संग करते हैं जीवन में, अधिक संग, अच्छे लोगों का संग करेंगे, ऋषि मुनियों का संग करेंगे, गुरु का सत्संग करेंगे, तो ईश्वरीय किरणें हमारे भीतर आएंगी। और दुष्ट लोगों का हम संग करेंगे तो जो थोड़ा बहुत ज्ञान हमारे जीवन में है भी वो भी नष्ट हो जाएगा और हम बुरे व्यक्तियों में सम्मिलित हो जाएंगे। और हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर हमारा नाम अपनी पवित्र आत्माओं में लिख। पवित्र आत्मा जब हम बन जाएंगे तभी वो हमारा नाम पवित्र आत्माओं में लिखेगा। यदि हम अपने बुरे विचारों से, बुरी वाणी से, बुरे कर्मों से दुष्ट आत्मा बने रहें तो भला परमात्मा हमारी गिनती पवित्र आत्माओं में कैसे कर लेगा। तो प्रत्याहार वो आहार जिसको हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना, हमारी आत्मा ग्रहण करती है। सत्संग से हमें ईश्वरीय आहार, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है और संसार में मूर्खों की संगत से, दुष्टों की संगत से विकार हमारे भीतर, अवगुण हमारे भीतर बढ़ते चले जाते हैं। नास्तिकता, बुरा स्वभाव हमारा उग्र होता चला जाता है। एक सायत सोहबते बा औलिया, बेहतर अज सदसाल ता अति बेरिया। सतगुरु के चरणों में एक घड़ी का सत्संग यदि हमें प्राप्त होता है तो वो सैकड़ों वर्ष के तप से कहीं बढ़ के है, क्योंकि उस सत्संग में हमारी आत्मा प्रकाशित हो जाती है, शांत हो जाती है। तो यह प्रत्याहार, यम नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा। संसार में बाहर जिन व्यक्तियों को हम देखते हैं, जिन वस्तुओं को हम देखते हैं, धन संपदाओं को हम देखते हैं,
और उनमें हमारा मन उलझ जाता है, उन्हीं का ध्यान बार 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 हमें आता रहता है। उस संसारिक ध्यान को हटा के गुरु चरणों में जब हम बैठते हैं, गुरु की वाणी जब हम सुनते हैं, गुरु के भीतर उस दिव्य पुरुष को जब हम महसूस करते हैं, ईश्वर की सत्ता को हम महसूस करते हैं, तो उस ईश्वर सत्ता का बार बार जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर वो ब्रह्म सत्ता प्रकट होने लगती है। ये बन जाती है धारणा। एक वो ध्यान है जो हम बाहर संसारी लोगों की बातें, उनकी शक्लें हमारे ध्यान में आती रहती हैं। एक वो ध्यान है जो गुरु की बातें और गुरु की शक्ल हमारे ध्यान में आती रहती है। तो दोनों का अपना अपना प्रभाव होता है। संसार की बातों का प्रभाव विष प्रभाव और गुरु की बातों का प्रभाव अमृत प्रभाव। और ये धारणा कही जाती है। धारणा में हमारे भीतर, हमारी धारणा में वो परम ब्रह्म धीरे धीरे अमृत पुरुष के रूप में, अमृत किरणों के रूप में प्रकट होता चला जाता है। धारणा। और धारणा के बाद में है ध्यान। उस कण कण में समाये हुए परमात्मा का ध्यान जो हमारे शरीर की गुफा में ही मस्तक में ज्योति रूप में निवास करता है, उसका ध्यान हम करें। और फिर है समाधि। समाधि अधिक समय तक हमारा ध्यान उस परम ब्रह्म में लगा रहे। चलते फिरते बात करते काम करते हमारा ध्यान बराबर उसमें लगा रहे। तो यह है सविकल्प समाधि। हम बातें भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, विचार भी आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कभी हट जाता है, कभी लगता है, कभी हटता है, कभी लगता है। और फिर ज़्यादा जब हम उसमें अभ्यास में आते हैं तो निरंतर हमारा ध्यान परम ब्रह्म की ज्योति में लगा रहता है। तो अधिक समय तक जब हमारा ध्यान एक ही विषय में परम ब्रह्म में रहता है तो उसको समाधि। सविकल्प और निर्विकल्प। निर्विकल्प समाधि वो है जब विचार आने बंद हो जाते हैं, हम आंखें बंद करते हैं तो कोई भी हमारे अंदर बोलता हुआ नहीं है, दिखाई देता हुआ नहीं है, केवल शांत प्रभा मंडल प्रकाश ब्रह्म ज्योति। ये सविकल्प निर्विकल्प समाधि की अवस्था कही जाती। ये नहीं कि ऐसे बैठ गए और वाल्मीकि ऋषि की तरह हमारे ऊपर सांप की बमी बन गई, वो अलग अवस्था है। वो सतयुग में ऐसे महापुरुष थे, महान ऋषि थे। आजकल हम लोगों का ध्यान 2 मिनट के लिए भी एकाग्र नहीं होता। ऐसी अवस्था में निरंतर हम माला के द्वारा परम ब्रह्म को जपते रहें, अपने वैचारिक स्तर पर उस परमात्मा की किरणों को अपने में ग्रहण करते रहें, तो ये योग दर्शन है पतंजलि ऋषि का, जिसमें 196 लगभग सूत्र हैं। और ये हमने आपको बताया यम नियम और आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम। प्राणायाम सांस को क्षण मात्र के लिए रोकना, सांस हमारा आ रहा है इसको बराबर करना, जितना हम बाहर से वायु को खींच रहे हैं उतना ही उसको बाहर रखें, सम दोनों की गति बराबर जब होती है, इसको प्राणायाम बोलते हैं। और बहुत से बाहर की वायु हमने अंदर खींची, पेट में रोक ली, कुंभ जैसा हमारा पेट हो गया, वह है कुंभक। और सारी वायु हमने बाहर फेंक दी और सांस वहीं रोक दी, वो है रेचक। लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल सांस की गति को हम बराबर रखें और मस्तक में मंत्र के साथ एक जरा सी देर को रोकें और तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, इस प्रकार से सांस को बराबर ही करें तो ये प्राणायाम माना जाता है। धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग योग के हैं। और इस योग के प्रवर्तक महादेव शिव हैं और
वैसे लोकाचार में पतंजलि ऋषि को इसका प्रणेता माना जाता है योग का। दूसरा शास्त्र है हमारे यहाँ सांख्य। सांख्य में द्वैतवाद है और इसके आचार्य माने जाते हैं कपिल मुनि। सांख्य द्वैतवाद, ये मैं हूँ, ये तू है, ये जीव है, ये ब्रह्म है, ये जगत है, ये माया है, ये सुख है, ये दुख है, ये मान है, ये अपमान है, ये जड़ है, ये चेतन है। जब हम इस विश्व को दो स्वरूप में देखते हैं, तू परमात्मा है और मैं तेरी आत्मा हूँ, एक आराध्य है, एक उसकी आराधना करने वाला है, ये दो जहाँ पर हैं उस सिद्धांत को द्वैतवाद कहा जाता है। दो, और इसके आचार्य हैं कपिल मुनि। तीसरा दर्शन शास्त्र हमारे यहाँ है वैशेषिक। वैशेषिक जिसके आचार्य हैं कणाद ऋषि। किन किन तत्वों से मनुष्य बना है, किन किन तत्वों से जगत बना है, पांच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इसके अतिरिक्त काल, काल माने समय, दिशा, मन और आत्मा, इनको भी तत्वों के रूप में कणाद ऋषि ने ग्रहण किया है। और इसमें सुख और दुख ये भी दो तत्व उन्होंने माने हैं, और प्रेम और चिढ़ ये भी तत्व माने हैं। हमारे हृदय में किसी के लिए प्रेम है तो हमें उसमें सब अच्छाई 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 दिखाई देती, बुराई कुछ भी नहीं दिखती, चाहे वो कितना ही बुरा आदमी हो। और हमारे हृदय में किसी के लिए चिढ़ है तो उस आदमी में कितनी ही अच्छाइयाँ हो, एक भी अच्छाई हमें नहीं दिखेगी, क्योंकि हमारे भीतर चिढ़ है तो वो बुरा 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 बेकार दिखाई देगा। यानी ये जगत निरपेक्ष नहीं, सापेक्ष है। इसी कारण से किसी से हम प्यार करते हैं, किसी से हम घृणा करते हैं, किसी से बैर करते हैं, किसी को अपना समझते हैं, किसी को पराया समझते हैं, किसी को मित्र समझते हैं और किसी को शत्रु समझते हैं। तो ये द्वैतवाद है और इस शास्त्र को कहते हैं वैशेषिक, और इसके आचार्य हैं कणाद ऋषि। तीसरा दर्शन आता है मीमांसा। मीमांसा शास्त्र के आचार्य हैं जैमिनि, जो कि व्यास मुनि के शिष्य हैं, और जैमिनि ऋषि ने सामवेद को संकलित किया। और इनका सिद्धांत ये है कि वेद मार्ग पे यदि हम चलते हैं तो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। ये ही वैदिक ऋषियों का सिद्धांत है। हमारा सिद्धांत भी सामवेद का सिद्धांत है। मनुष्य उस परम ब्रह्म की स्तुति करते 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 वैसा ही बन जाता है। किसी व्यक्ति का आप रोज हर वक्त जिक्र रखो, उसी की चर्चा, उसी का ध्यान, उसी की बातें, तो हम उसी के जैसे बन जाते हैं। परम ब्रह्म का जिक्र करते करते, उसके गुणों का जिक्र करते करते, वे गुण हमारे भीतर आने लग जाते हैं। तो ये वेद मार्ग कहा जाता है, और जैमिनि ऋषि सामवेद के संकलन करता है। सामवेद में बहुत से ऋषियों की ऋचाएं हैं और इनका सिद्धांत है कि हमें मनुष्य से देवता बनना है। मनुष्य जनित जो हमारे भीतर अवगुण हैं उनका हमें त्याग करना है
और ईश्वर के जो गुण हैं, देवताओं के जो गुण हैं, उन्हें हम ग्रहण करते 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 देवता बन जाएंगे और देव पुरुष ही, देवता ही उस परमात्मा का सामना कर सकता है। सूर्य का सामना ना कोई पशु ना कोई मनुष्य नहीं कर सकता। कोई ऐसा प्रज्वलित नक्षत्र जो सूर्य जैसा बन जाएगा वो ही उसके निकट जा सकता है। तो परम ब्रह्म परमात्मा के निकट जाने के लिए हमें उसके गुणों को, उसके देवत्व को हमें धारण करना पड़ता है और देवता बनना पड़ता है। ये प्राचीन सिद्धांत है, देवो भूत्वा देवम यजेत। देवता बनकर उस परम ब्रह्म की आराधना करो, पशु भूत्वा न विचरित। ये प्राचीन हमारा वैदिक सिद्धांत है। मीमांसा इस शास्त्र को कहा गया है और इसके ऋषि हैं, इसके आचार्य हैं जैमिनी, जो कि व्यास मुनि के शिष्य हैं। इसके आगे है न्याय। अगले शास्त्र को कहते हैं न्याय, जिसके ऋषि हैं, आचार्य हैं गौतम, गौतम ऋषि, जिनकी पत्नी थी अहिल्या और हनुमान के ये नाना थे गौतम ऋषि। न्याय शास्त्र, और इसकी विशेषता क्या है? तर्क, तर्क के द्वारा अपने पक्ष को सिद्ध करना। आत्मा ऐसी है, शरीर में इतने तत्व हैं, मन ऐसा होता है, बुद्धि ऐसी होती है, जगत ऐसा है, माया ऐसी है, मृत्यु ऐसी है, अमरत्व ऐसा है, इन सब बातों को तर्क से सिद्ध करते 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 साधक ईश्वर तत्व को ग्रहण करने लग जाता है। तो यह है तर्क शास्त्र, इसको बोलते हैं न्याय, और इसके ऋषि हैं गौतम। और छठा शास्त्र है वेदांत, जिसको उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं, और इसके आचार्य, इसके ऋषि हैं व्यास मुनि। और इसके सिद्धांत क्या हैं? स एव ज्योति शाम ज्योति, वो परमात्मा ज्योतियों की भी ज्योति। स एव परमेश्वर, वो ही परमेश्वर है। स एव ही परम ब्रह्म, वो ही परे से परे, परे से परे, परे से परे परम पुरुष है, परम ब्रह्म। तद ब्रह्मा हम न संशय, वो जो परम पुरुष है, परम तत्व है, परम ब्रह्म है, वो मैं ही हूँ, मेरी ही आत्मा में वो है, इसमें कोई भी संशय नहीं। इसको अद्वैतवाद भी बोला जाता है, नहीं है दो, ये जीव और ये आत्मा, उपद्रष्टा अनुमंता बर्ता भोगता च महेश्वरा परमात्मेति चाप युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। इस शरीर में निवास करने वाला ये जीवात्मा कहाँ से आया? ये पृथ्वी हमारी कहाँ से आई? सूर्य से। सूर्य कहाँ से आया? उस परम ब्रह्म से। वहीं से हमारी सब आत्माएं आई हैं। जो तत्व उसका है वही तत्व हमारा है। तत्वमसि, हमारे ऋषि कहते हैं तुम मट्टी नहीं हो, तुम हवा नहीं हो, तुम पानी नहीं हो, तुम आग नहीं हो, तुम वो ही हो, जो वो आदि सनातन ब्रह्म परमात्मा है, जो वो है वो ही तुम हो। तत्वमसि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ये नाखून मात्र नहीं, मैं ये वस्त्र नहीं, मैं केवल आँख आँख नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। और आत्मा क्या है? उस परम ब्रह्म का एक टुकड़ा। और टुकड़ा ये कहाँ से आया? जहाँ से टूट के गिरा वहीं उसको जोड़ दो तो ये हो जाता है वही जो पहले था। ये इसका सिद्धांत, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो ही हूँ। सो अहम अस्मि, सो हम, सो हं, जो वो है वो ही मैं आत्मा। खल्लो बिदम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इस जगत में दूसरा तत्व कोई भी नहीं, एक ही है, एक ज्योत का सकल पसारा।
ईश्वर के दिव्य प्रकाश से ही ये जगत उत्पन्न हुआ, ये आत्माएं उत्पन्न हुई, ये शरीर उत्पन्न हुए हैं। 84 लाख जूना जून उस एक आदि पुरुष से ही उत्पन्न हुए हैं, दो हैं ही नहीं, एक ने ही ऐसा रूप धारण किया। हमारा ये शरीर है, ये नाखून ऐसा है, ये बाल ऐसे हैं, एक ही तत्व का, माता और पिता की दो बूंदें एक जगह मिलती हैं और ये शरीर बन जाता है। ऐसे ही ये विश्व, ये जगत, जीव और जगदीश, ये तीन देखने में तीन मालूम होते हैं लेकिन ये एक ही है। ये संसार उस परम ब्रह्म परमात्मा का स्थूल शरीर है, ऐसा हमारे ऋषिगण कहते हैं जिन्होंने उस ब्रह्म सत्ता में प्रवेश किया। अद्वैतवाद नहीं है, दो है, केवल एक आत्मा सुपरमात्मा, इस बात को कहा जाता है। लेकिन आत्मा की शक्ति घट जाती है शरीर में आके, और जब ये शरीर को छोड़ देता है और ये ब्रह्म की तरफ को यात्रा करती है परम ब्रह्म में और उसमें पहुंच जाती है, कटोरी में पानी भरा है समुद्र का और ये हमने पलट दिया समुद्र में, तो ये पानी समुद्र हो जाता है। ये अद्वैत सिद्धांत। और ये जो कटोरी रह गई, ये कटोरी भी पीतल की या लोहे की नहीं है, ये बर्फ की है, ये भी उसमें डाल दी और ये भी पानी में पानी हो गई। ये सिद्धांत है वेदांत शास्त्र का, जिसके आचार्य हैं व्यास मुनि। और एक सातवां दर्शन कहा जाता है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन अपने में स्वतंत्र दर्शन नहीं है, ये वेद से निकला हुआ है। हालांकि जो आजकल के बुद्धिस्ट हैं वे अपने को अलग मानने के लिए वेदों का खंडन करते हैं, लेकिन सारी शिक्षाएं वेद की ही उसमें हैं। चार आर्य सत्य को बुद्ध मानते हैं। संसार में दुख है, दुखों का कारण है, कुछ ना कुछ कारण होता है दुख का, तब वे दुख उपजते हैं। दुखों से निवृत्त हुआ जा सकता है, उनसे छुटकारा पाया जा सकता है, उपाय किया जा सकता है, और दुख से छूटने का उपाय है निर्वाण। निर्वाण यानी मोक्ष। जब हम इस शरीर में हैं तो शरीर में वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, बैर है, विरोध है, ये सारी चीजें दुखों का कारण। और इन सारी तत्वों को इकट्ठा करके हम उस परमात्मा के आगे रख देते हैं तो वो हमारी आत्मा को अपने में समेट लेता है, उसका निर्वाण हो जाता है। निर्वाण होना ही दुखों से छुटकारा। और परमेश्वर को हमें कब कब याद रखना चाहिए, कब कब स्मरण करना चाहिए, हर हालत में, जहां भी मनुष्य है, जो भी कार्य कर रहा है। एक किसान हल चला रहा है तो शरीर तो चल रहा है साथ, मन तो खाली है, मन कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है। आप गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, तो आप अपनी चिप लगा सकते हैं, उसमें ईश्वरीय वाणी आप लगा सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, या मन मन में परमेश्वर का स्मरण कर सकते हैं। हमारे ऋषि क्या कहते हैं, पीसते वक्त कूटना, छानना, झाड़ू देना, भोजन पकाना, स्नान करना, भोजन करना, सोना, उठना, जागना, छींकना, कार्य आरंभ करना, कार्य को समाप्त करना, मुंह से अप्रिय वचन निकल जाना, कुछ पीना, सूंघना, रति, स्पर्श, सुनना, बोलने की इच्छा, शौच आदि, इन 20 कार्यों के समय और इनके अतिरिक्त भी जो भी कार्य मनुष्य कर रहा है उस समय जो परमेश्वर के नाम को मन में जपता रहता है उसी को भक्त जानना चाहिए। शेष दूसरे तो नाम मात्र के भक्त हैं। प्रत्येक सांस पर हर समय
परमेश्वर के सुमरण और ध्यान में रहने वाला व्यक्ति देवताओं के समान पवित्र होकर अंत में परमेश्वर में ही एकाकार हो जाता है। ये सिद्धांत है। तो कहें, कोई पूछता है लेटते हुए सुमरण कर लें क्या? सुमरण कर लो, लेट के आराधना तो हो नहीं सकती। कि बेड पे लेटे लेटे ध्यान कर लें क्या? ध्यान नहीं करोगे तो ध्यान इधर उधर भटकेगा। उससे अच्छा तो यही है कि परमात्मा का ध्यान करो, गुरु चरणों में अपने ध्यान को ले जाओ, गुरु वचनों को सुनो। हर हालत में ज़्यादा से ज़्यादा समय जब हम अपने मन को परम ब्रह्म में रखते हैं तो हमारा मन पवित्र होने लगता है। अच्छा, एक प्रश्न यह है, प्राचीन काल में अमर ऋषि हुए हैं और कहा जाता है करोड़ों करोड़ों वर्ष उनका शरीर बना रहा, वो शरीर कैसा था? तो इस विषय में हम आपको थिरुमूल नाम के एक अमर ऋषि हुए हैं, काकभुषंडी के बारे में तो सब जानते हैं, वो मेरु पर्वत पर आज भी विद्यमान है, त्रेता युग से लेके अब तक। और उनके सामने कितनी बार प्रलय हुई, कितने ब्रह्मा बदले गए, कितने युग निकल गए, और वो वहीं अपनी सत्ता में विद्यमान है काकभुषंडी। ऐसे ही हमारे एक ऋषि हुए थिरुमूल, उनके विषय में थोड़ा सा सुनिए। कैलाश में महादेव शिव के शिष्यों में नंदी, और नंदी वहाँ जो शिव के गण थे उनकी देखभाल करते, उनसे बातें करते, उनको साधना में लगाए रखते। शिव तो मौन बैठे रहते, किसी से बात नहीं करते, मौन बैठे हैं, प्रसन्न चित्त हैं। ये नहीं कि नाराज हुए बैठे या गुस्से में चुप हो गए, खामोश हो गए, किसी से बोल नहीं रहे, ऐसा नहीं, शांत और प्रसन्न मन से बैठे अपनी आत्मा के ध्यान में है, परम ब्रह्म के ध्यान में है। और कितने देवगण आ रहे हैं, उनसे भी बात करनी होती है, पूरी संगत है, उसको भी संभालना होता है। तो महादेव शिव के जो मुख्य शिष्य हैं नंदी, कुछ लोग समझते हैं वो बैल हैं, नहीं, वो मनुष्य, वो देवता। ऐसी विद्या जरूर रही होगी कि वे अपना रूप समय समय पर परिवर्तित कर लेते होंगे। जैसे आपने आसाम, बंगाल, कामरूप देशों के बारे में सुना होगा कि वहाँ कोई जादूगर या सिद्ध पुरुष मनुष्य को तोता बना के पिंजरे में रख दिया, मक्खी बना के दीवार पे चिपका दिया, पशु बना दिया, भैंसा बना दिया। ऐसा कोई विज्ञान जरूर रहा होगा। आज भी अमेरिका में, यूएसए में ऐसी जातियां हैं, जनजाति प्राचीन, वहाँ के जो आदि निवासी हैं उनमें ये विश्वास है कि वे लोग, उन लोगों पे एक ऐसा तंत्र है, विज्ञान है, कि वे अपने आप को, अपने रूप को परिवर्तित कर सकते हैं। क्या क्या? एक तो वे चील बन के उड़ सकते हैं, मनुष्य चील बन के उड़ सकते हैं, एक वे भेड़िया भी बन सकते हैं। दो विद्याएं उनके यहाँ अभी भी जनजातियों में, पुरानी जातियों में प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार का कोई विज्ञान रहा होगा तो उनकी संगत में सुंदर नाथ नाम का एक गण था, जैसे हमारे यहाँ इतनी संगत है, आश्रम में बहुत से देवता रहते हैं, तो उनके यहाँ जो रात दिन रहते थे गण, उनके शिष्य शिव के, नंदी उनकी देखभाल करते थे, तो वे सब नंदी का बड़ा आदर करते थे, नंदी सबको प्यार करते थे, किसी को डांट फटकार नहीं करते थे, बहुत प्यार से, बड़े सम्मान से, बड़े आदर से उनको समझाते,
भोजन कराते, साधना में लगाए रहते थे। तरह तरह की सिद्धियां भी उन लोगों को प्राप्त हो गई थी। तो सुंदरनाथ नाम के, उन्होंने कहा दक्षिण भारत में पोथी गाई नाम का पर्वत है, वहाँ पे अगस्त मुनि रहते हैं और वहीं कार्तिक स्वामी भी रहते हैं। नंदी से उन्होंने कहा कि मेरा मन है कि मैं उनसे जाके मिल रहा हूँ, बहुत समय हो गया है। तो नंदी ने मौन बैठे हुए शिव से निवेदन किया, प्रभु ये सुंदरनाथ यहाँ कैलाश से चलकर दक्षिण भारत में पोथीगाई पर्वत पे जहाँ अगस्त मुनि और कार्तिक स्वामी रहते हैं वहाँ उनसे मिलने के लिए जाना चाहता है, आपकी क्या आज्ञा है। शिव मुस्कुराए और कहा ठीक है चले जाओ। उनको प्रणाम करके अनुमति प्राप्त करके सुंदरनाथ वहाँ से चले। और मार्गों में बहुत से उनके आश्रम थे शैव लोगों के, शिव धर्म को मानने वालों के। शिव धर्म है क्या? वेद में, ऋग्वेद में उस परमात्मा का, शिव यानी मंगलकारी परमात्मा का एक नाम है शिव, बार बार बहुत बार ऋग्वेद में आया है और यजुर्वेद में तो आपने सुना ही है, नमः शंभवाय च मयोभवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ये छह नाम परमात्मा के हैं, किसी देवता के नहीं है, ऋषि के नहीं है, मनुष्य के नहीं। नमः शंभवाय च, असंभव को संभव करने वाले परमात्मा को प्रणाम, जो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित। मयो भवाय च, मन में अनेक अनेक द्वंद उठते हैं, ये मन ही जन्म मरण का कारण है, ये ही भवसागर है, इस भवसागर से तारने वाले हे परमात्मा तुझे प्रणाम। नमः शंकराय च मयस्कराय च, दुख संताप का शमन करने वाले, शमन करम शंकरम, शंकरम का अर्थ है शमन करना, आग को बुझाना, दुखों की अग्नि को बुझाने वाले हे परमात्मा तुझको हम प्रणाम करते। मयस्कराय च, दुखों के कीकरों को उखाड़ के वहां सुख के कल्प वृक्ष लगाने वाले परमात्मा तुझे प्रणाम। और तीसरा इसका भाग है नमः शिवाय च शिवतराय च, हे मंगलकारी परमात्मा तुझे प्रणाम, और मंगलों के भी परम मंगल हे परमात्मा तुझे हमारा प्रणाम। ये छह नाम परमात्मा के, तो इनके, इनको जपने के द्वारा, शिव 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 जपने के द्वारा उन का नाम शिव पड़ गया, जिनको हम कैलाशपति कहते हैं। पहाड़ में उनका नाम राजा मानोती है और विशालाक्ष भी उनका नाम है। दो उनके विवाह हुए, एक प्रजापति दक्ष की पुत्री सती से, दूसरा हिमाचल की पुत्री पार्वती से। तो वो सुंदरनाथ जगह जगह अपने स्थानों पर, जहाँ जहाँ उनके आश्रम थे, मठ थे, वहाँ ठहरते हुए और दक्षिण भारत की यात्रा, नेपाल होते हुए दक्षिण भारत में एक जगह आती है चिदंबरम, तमिलनाडु में चिदंबरम, जहाँ शिव का नटराज रूप है, आकाश में नृत्य कर रहा है जो पुरुष। कौन कर रहा है? परमात्मा ही कर रहा है, कोई मनुष्य तो कर नहीं सकता। इस संपूर्ण आकाश में जो वायु बनकर विचरण कर रहा है, नृत्य कर रहा है, जगत के कण कण में जिसका नृत्य हो रहा है, वो नटराज
परम ब्रह्म परमात्मा। उस स्थान पर वो पहुंचे और वहां एक गांव था, उधर से गुजर रहे थे सुंदरनाथ। तो उन्होंने एक हृदय को द्रवित करने वाला एक दृश्य देखा। एक व्यक्ति मरा हुआ पड़ा है, ग्वाला पास के गांव का था, उसका नाम था मूला। मूला गांव में किसी का नाम रख दें मूला, मूला ग्वाला था वो, किसी कारण से मर गया। और उसके जो पशु थे, गाय बैल भैंस छोटे छोटे लबारे बच्चे, उसको चारों तरफ से घेर कर खड़े दुखी हो रहे हैं, उनकी आंखों से पानी बह रहा है। हालांकि सुंदरनाथ इस सुख दुख से बहुत परे हो गए थे और उस दृश्य को देख के वो हृदय में बहुत व्याकुल हो गए। ये पशु अपने ग्वाले के लिए रो रहे हैं, इतने व्यथित हैं, व्याकुल हैं। पास में ही एक पहाड़ी थी और वहाँ एक गुफा सी थी, उस गुफा में जाके उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और उस ग्वाले के शरीर में प्रवेश हो गए। और वो जिससे वे पशु प्रसन्न हो जाएं इस वजह से, और पशुओं ने देखा हमारा ग्वाला जीवित हो गया तो वे खुशी से उछलने लगे और उसके हाथ पैर चाटने लगे। बड़े खुश हुए पशु। उन पशुओं को लेके वो सुंदरनाथ जो उसके शरीर में प्रविष्ट थे, पूछा भाई नाम क्या है इसका, नाम क्या है मेरा? तो लोगों ने सोचा इसका दिमाग चल गया, अरे मूला तू कैसी बात कर रहा है? तो सोचा मूला, मूला नाम है मेरा, मूला, कई बार याद कर लिया, मूला मूला, मेरा नाम मूला, मैं मूला, शरीर का नाम इसका मूला। भाई मूला का घर कौन सा है? अरे देखो यो कैसा बाबला हो गया, ये अपने घर को पूछ रहा है, उन्हें पता थोड़ी था उसमें तो दूसरी आत्मा थी। मूला तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, तुझे बुखार हो गया क्या, तुझे भूत लिपट गया क्या, तुझे क्या हो गया, तुझे अपना घर पता ना, ये सामने किसका घर है, तेरा ही तो है, सारे जानवरों को ले गया। तो वहाँ मूला की पत्नी, अजी इतनी जल्दी कैसे आ गए, अन तू कौन है, तुम मुझे ना जानते, मैं तुम्हारी पत्नी ना हूँ? अच्छा तू मेरी पत्नी है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ले इनको बांध, जानवरों को बांध, और मैं चला। बोले तू कहाँ जा रहा है? अन मैं तेरे साथ नहीं रहने का, मैं तो चला, हो सके मैं भगवान के चला जाऊं, अब मेरी उम्र खत्म है। बोले इसको क्या हो गया? अब वो किसी तरह से वहां से निकला घर में से, रात हो गई और जाके देखा भाई मेरा शरीर यहाँ पड़ा, उसमें इसको मैं वहाँ लिटा दूंगा शरीर को मूला के, और मैं अपने शरीर में घुस के आगे को चल दूंगा जहाँ मुझे जाना है। और वहाँ जाके देखा तो वो तो शरीर गायब, उसका सुंदरनाथ का जो शरीर था वो गायब हो गया। बहुत परेशान हुआ, बड़ा व्याकुल हुआ, ये क्या हो गया, हे भगवान शिव गुरुदेव गुरु महाराज गुरु महाराज। अब उसने ध्यान करा तो शिव हंस रहे हैं, ध्यान में बोले तेरे शरीर को उठा के हम कैलाश पे ले आए। बोले ये क्या करा आपने, मैं क्या करूँगा? कि परेशान मत हो, यहाँ तुझे इस काम के लिए भेजा है, तू इन लोगों की भाषा समझ लेगा एकदम से, क्योंकि ये शरीर मूला का है, आज से तू मूला। और मैं वहाँ कैसे जाऊँगा? वहाँ मत जावे, तो यहीं रहे, इन लोगों के पास में रह के इनको ईश्वर का ज्ञान, वेद का ज्ञान, और जो ज्ञान हमने तुमको सिखाया है सुंदरनाथ, तुम वो ज्ञान इन ग्रामीणों को सिखाओ। ये ग्रामीण सीख लेंगे वो ज्ञान, अरे सब सीख लेंगे,
तो इनके साथ में रह, इनसे बात कर, हे प्रभु ये क्या करा, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। कुछ देर तो वो बहुत परेशान रहा, एक दो दिन। फिर उसने सोचा, जब मेरे गुरु की ही ऐसी इच्छा है, जब उनका ही ऐसा आदेश है, हे प्रभु जो आपकी आज्ञा है, जो आप कह रहे हैं मैं वो ही करूँगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देख आज तक तू इस शरीर की पत्नी रही होगी, अब तू तुझसे मेरा कोई संबंध नहीं। बराबर में एक मठ था, मंदिर होगा छोटा मोटा गांव में कोई, वहां चले गए। वे कपड़े उतार के उन्होंने साधुओं जैसे कपड़े, जैसे वो पहनते थे वैसे पहन लिए, तिलक विलक लगा लिया, वहां बैठ के ध्यान पूजा अपना कर, जो करते थे वो करने लगे। लोगों ने आके देखा, या तो इसका दिमाग खराब हो गया, या इसको भूत लग गया, या ये कोई बहुत अच्छा संत बन गया अचानक से। और वो संस्कृत बोले, इधर उधर के मंत्र बोले, और वो तो गंवार था पहले, तो उसको तो कुछ आता ही नहीं था, ग्वाला था, बल्धिया था, बिना पढ़ा लिखा था। लोगों ने सोचा, भैया इस पे कुछ ना कुछ हो जरूर गया। और वहाँ पंडित आके इकट्ठे हुए, पंडितों ने देखा, अरे भाई ये तो वेद मंत्र बोल रहा है। उसने पूछा, तुम कौन हो? पंडितों ने सोचा इस पे भूत आ गया शायद। बोले, भाई मैं मूला, शिवजी ने मना कर दिया था ये मत बताना कि तू हमारा शिष्य है, तू कैलाश से यहाँ, ये बिल्कुल किसी को मत बताना, तो यही कहना मैं मूला हूँ, मैं हूँ मूला और मैं भगवान के ये मंत्र जप रहा हूँ, तुम भी जपो। उन्होंने वहाँ ईश्वर दर्शन, जो फिलॉसफी दर्शन शास्त्र था, बहुत गूढ़ बातें, इतने वर्षों तक वो कैलाश में रहे थे, वो सारा ज्ञान उन्होंने वहाँ लोगों को बताना शुरू किया। लोग बड़े प्रभावित हुए और उनके पास आने लगे, लिखने लगे उनको। कहते हैं वो थिरुमूल, मूला से उनका नाम पड़ गया थिरुमूल, थिरु माने पवित्र, अब ये मूला पवित्र मूला हो गया, तो उसका नाम थिरुमूल हो गया। और ऐसा कहा जाता है वो 3000 वर्ष तक वहां रहे, शरीर मरा नहीं उनका, उस मूला का शरीर, मूला के शरीर में सुंदरनाथ, महादेव शिव के शिष्य, नंदी के शिष्य 3000 वर्ष तक वहाँ रहे। और वे निरंतर, फिर जब उन्होंने बहुत सारे प्रवचन दे दिए तो उन्होंने मौन धारण कर लिया, अपनी साधना में लगे रहते। और एक वर्ष में बोलते, वो एक वर्ष में केवल कुछ मंत्र बोलते और लिखवाते। 3000 वर्ष तक वो वहाँ रहे। और एक पुस्तक उनकी लिखी गई 3000 मंत्रों की, 3000 मंत्र, ईश्वर के मंत्र, ज्ञान मंत्र, आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, योग के विषय में, ध्यान के विषय में, वो सब उन्होंने लिखा। उस पुस्तक का नाम रखा गया थिरुमंदिर, पवित्र मंत्र, मंदिर मंथिर वहां की भाषा में, तमिलनाडु में। एक जगह उन्होंने कहा, मैं शिव के यहां प्रकाशमान शरीर में 7 करोड़ वर्ष तक विचरण करता रहा, चिदाकाश में, ऐसे आकाश में ना, जहां ना तो दिन होता है ना रात होती है, केवल परमात्मा की ज्योति का शीतल प्रकाश फैला रहता है, ऐसे मंडल में मैं शिव के चरणों में बैठा हुआ, नंदी की सेवा करता हुआ 7 करोड़ वर्ष मैंने वहां पे व्यतीत किए।
और कितने ही हजारों युगों तक मैं इस सृष्टि को देखता रहा, मेरे मन में ना कोई दुख हुआ, ना कोई संताप हुआ, ना किसी प्रकार का कष्ट, ना कोई रोग मुझको हुआ, ये उन्होंने कहा। और मनुष्य जो बेकार की बक बक करते रहते हैं, बक बक करते रहते हैं, वे अपने जीवन को नष्ट करते रहते हैं। वे नहीं जानते कि सब जगह ईश्वर का प्रकाश फैला हुआ है। प्रकाश फैला हुआ है, इसका अर्थ यह है उस परमात्मा की अनुकंपा, उसकी कृपा सब जगह फैली हुई है। और जो मनुष्य कौवे को एक टुकड़ा भी नहीं डाल सकता, जो किसी को कुछ देता नहीं है, जो मनुष्य दान नहीं करता, दान शब्द उन्होंने कहा है, जो दूसरों की मदद नहीं करता, परमात्मा उसको दर्शन नहीं देता। थिरुमूल अपने पवित्र साहित्य में कहते हैं, जो मनुष्य दान नहीं करता, गाय को, बैल को, भैंस को एक मुट्ठी घास भी नहीं खिला सकता, कौवे को एक टुकड़ा भी नहीं डाल सकता, भूखा आदमी उसके दरवाजे पे बैठा है और उसको रोटी नहीं दे सकता, प्यासा आदमी उससे पानी मांग रहा है और वो ऐसे ही बैठा है, पानी नहीं पिला सकता, ऐसे मनुष्य को परमात्मा दर्शन नहीं देता, ऐसे लोग अपराधी होते हैं, परमात्मा के अपराधी और अभिशापित आत्माएं ये होती हैं। मनुष्य को ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इंसान को चाहिए वो अहंकार ना करे, अभिमान ना करे, बकवादी ना बने, नास्तिक ना बने, क्रोध ना करे और दूसरों को कष्ट पहुंचाने की योजना ना बनाए, तो उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है। और पवित्र होकर ही कोई व्यक्ति उस परम पवित्र परमात्मा के निकट पहुंचता है। एक बात और कही उन्होंने, जो मनुष्य देता रहता है, दूसरों को देता रहता है, देता रहता है, अपने पास ना हो दूसरों को देवे, परमात्मा मनुष्य के केवल दान की वजह से ही उसको पहचानता है। जो वो देता रहता है, जरूरी नहीं हम धन दें, हम किसी को शांति दें, किसी को अच्छे सुझाव दें, किसी परेशान आदमी के मन को शांत करें, शांति का दान दें, या जिसको किसी चीज की जरूरत है और वो वस्तु हमारे पास है तुरंत उसको दे देनी चाहिए। परमात्मा मनुष्य को केवल उसकी दान शक्ति के कारण पहचानता है। और जो मनुष्य दूसरे को कुछ देता ही नहीं, देना चाहता ही नहीं, केवल लेना ही लेना चाहता है, परमात्मा से भी लेना चाहता है, माता पिता से भी लेना चाहता है, अपने वतन से, देश से भी लेना चाहता है, गुरु से भी लेना चाहता है, मित्रों से भी लेना चाहता है, भाइयों से भी लेना चाहता है, पत्नी के जेवर उवर बेच के कुछ और लेना चाहता है, ऐसा व्यक्ति अभिशापित होता है, वो परमात्मा के निकट नहीं पहुंचता। थिरुमूल इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान को लेने वाला नहीं, लेवड़ा नहीं, देने वाला देवता होना चाहिए। उसका हाथ ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, अहंकार पूर्वक नहीं, विनम्रता पूर्वक। कोई हमारी सेवाओं को स्वीकार कर ले, हमसे कोई कुछ ले ले, तो हमें उसका आभारी होना चाहिए, ना कि हम ये सोचें ओहो हमने इस पे बड़ा एहसान कर दिया, 10 रुपए दे दिए, ये मूर्खता है, ऐसा नहीं। हमारा दाहिना हाथ जो दे रहा है गुप्त रूप से, बाएं हाथ को पता ना चले, यानी किसी की मदद करके, किसी को कुछ दे के हम उसका बखान ना करें, ऐसे आदमी से परमात्मा प्रसन्न होता है। क्यों? परमात्मा ने हमको कितना दिया है, सूर्य दिया है, चंद्रमा दिया है, वायु दी है, जल दिया है, अन्न दिया है, माता पिता दिए हैं, मित्र दिए हैं, इतने सुख दिए हैं, संपदाएं दी हैं, सब कुछ उस परमात्मा ने हमें तीनों लोकों की संपदा दे दी है। और उस दिए हुए ढेर में से
हम दूसरे को कितना देते हैं। एक महिला एक ऋषि के पास गई, मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे कुछ दे दो, मेरे लिए कुछ आशीर्वाद दे दो। तो उन्होंने कहा, बेटी तेरे पास जो भी है उसमें से कुछ ना कुछ दूसरों को दिया कर, पंछियों को दाना डाल दिया कर, जानवरों को घास खिला दिया कर, जो दीन दुखियों उनकी मदद किया कर, परमात्मा तुझ पे कृपा करेगा। और उन्होंने कुछ बेर उठा के उसको दे दिए, महिला को। बच्चे घूमते रहते हैं, एक बच्चा आया, वो बार बार उनको देख रहा, बेर को बार बार आवे, बेरों को देखे, और वो ऐसे यूं देवना बार बार बेरों को देखे। तो फिर बच्चा आई गया पास में, बेर दे दो बेर। तो बोले, जा काम कर अपना। उसने सोचा, ये प्रसाद मुझे दिया है महात्मा जी ने, मेरे ही लिए होगा। तो उन्होंने कहा, तू एक बेर तक नहीं दे सकती एक बच्चे को, तो परमात्मा तुझे बच्चे कैसे दे देगा। है तेरी नियत से ये 5, 6, 7, 8 बेर हैं तेरे पास, और एक बेर तो बच्चे को नहीं दे सकती, और तू परमात्मा से ये चाह रही वो 9 लाख का लाल तुझे दे दे। है इसका अर्थ यह है कि हमें केवल लेने वाला लेने वाला लेने वाला, भिखारी जैसा, मंगते जैसा नहीं होना चाहिए, दूसरों से लेने की इच्छा नहीं होना चाहिए। अपने हृदय को हम विशाल बनाएं, बड़ा बनाएं। थोड़ा सा पानी भी हमारे पास है तो पानी भी हम दूसरों को दे के उनकी दुआ ले सकते हैं। दूसरों की दुआएं हम लें, बददुआएं ना लें। आज बस इतना ही। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।